क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस सभी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा देता है? क्या आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ चुनिंदा अस्पतालों में ही कैशलेस सुविधा मिलती है? क्या आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद इलाज कराने के लिए पहले पैसे जमा कराने पड़े? भारत में रहने वाले सभी लोगों का उत्तर पहले सवाल के लिए ना में ही होगा और बाकी बचे दो सवालों के लिए हाँ में। और यदि ऐसा ही है तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप देश के किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज करा सकते हैं, फिर चाहे वो अस्पताल आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर की लिस्ट में हो या ना हो। लेकिन उससे पहले बात भारत में हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की। साल 2022 में भारत का हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर 12.86 बिलियन डॉलर का था और इस वित्त वर्ष की समाप्ति तक ये बढ़कर करीब 15 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ये भी अनुमान है कि 2030 तक भारत का हेल्थ सेक्टर हर साल 11.55 फीसदी की दर से बढ़ेगा और माना जा रहा है कि 2029 तक भारत का हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर 105 ट्रिलियन रुपए का हो जाए। भारत का हेल्थ केयर मार्केट 2022 में 372 बिलियन डॉलर के करीब था और 2025 में ये बढ़कर 612 बिलियन डॉलर हो जाएगा। और बाजार बढ़ने के दो कारण सीधे सीधे हैं। पहला तो ये कि लोग पहले के मुकाबले ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं या अस्पताल का रुख पहले के मुकाबले ज्यादा कर रहे हैं, और दूसरा ये कि इलाज लगातार महंगा होता जा रहा है जिससे हेल्थ केयर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। और अब ये जानते हैं कि कैसे आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकते हैं। मान लीजिए कि अभी आपने ABC हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ प्लान खरीदा है और इस कंपनी का हॉस्पिटल ए, बी और डी के साथ टाई अप है, लेकिन हॉस्पिटल सी के साथ टाई अप नहीं है। अभी तक आपको अस्पताल सी में इलाज कराने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास बिल रीइंबर्समेंट के लिए भेजना होता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 जनवरी 2024 से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDAI ने ये नए नियम लागू कराए हैं। इन नियमों के तहत किसी भी प्लांड इलाज के लिए 48 घंटे पहले आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा और इसके बाद आप अपने मनचाहे अस्पताल में जाकर एडमिट हो सकते हैं। आपके इलाज का पूरा खर्च इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, यानी इलाज कैशलेस होगा, फिर चाहे अस्पताल का इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप हो या ना हो। और किसी इमरजेंसी की सूरत में यदि आपको इलाज की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी फॉर्मूला तय किया गया है। ये फॉर्मूला है कि आपको अस्पताल में एडमिट होने के 48 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देनी होगी और इसके बाद अस्पताल का बिल भरने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की होगी। इस पूरी प्रोसेस को लागू करने के लिए एक तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिस पर देश के हर प्राइवेट अस्पताल को खुद को रजिस्टर करना होगा। ये सभी अस्पतालों के लिए जरूरी किया जाएगा और भविष्य में इस तकनीकी पोर्टल से एक खास फायदा भी होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया चाहता है कि भविष्य में सभी बीमारियों के इलाज पर लगने वाला पैसा भी फिक्स कर दिया जाए। मसलन बाईपास सर्जरी के लिए एक फिक्स रकम होगी, मान लेते हैं कि ये रकम 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच होगी, यानी कोई भी अस्पताल इससे ज्यादा रकम मरीज से नहीं वसूल पाएगा। हालांकि ये भविष्य का प्रोसेस है और ये कब तक लागू होगा ये कहना मुश्किल है। अभी भारत में कैशलेस हेल्थ सर्विस की सुविधा काफी कम है। 2022-23 में सिर्फ 56% हेल्थ क्लेम ही कैशलेस थे, यानी कुल हेल्थ क्लेम्स का 44% रीइंबर्समेंट के तहत फाइल किया गया। रीइंबर्समेंट में कंपनियां अक्सर 1 महीना या उससे भी ज्यादा का समय लगा लेती हैं और इस बीच मरीज से तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं जिन्हें जुटाने में मरीज के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अब आप किसी भी तरह के इलाज को कैशलेस करा सकते हैं, यानी अस्पताल में एडमिट होने पर यदि आपने इंश्योरेंस कंपनी को पहले सूचना दे रखी है तो अस्पताल में एडमिट होने के बाद डिस्चार्ज होने पर बिल आपको नहीं भरना होगा। और यहाँ भारत के हर नागरिक से एक अपील भी है, यदि आप सक्षम हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं और कोशिश करें कि हेल्थ इंश्योरेंस जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा रकम का कराएं। अब तो बाजार में 1 करोड़ रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस भी मौजूद हैं, जिनका प्रीमियम कुछ हजार में होता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आप सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटने से बचेंगे, जहां भारत में मरीज से कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता।
और दूसरा आप प्राइवेट अस्पतालों में इलाज पर होने वाले खर्च से भी बच जाएंगे।